Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn our first chapter of geography class 9, which is India size and location. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया कंट्री है उसका साइज क्या है और अर्थ पे उसकी लोकेशन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ग्लोब पे इंडिया की लोकेशन क्या है. एक ग्लोब क्या होता है पहली बात तो, उसमें इंडिया कहाँ लाई करता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो ग्लोब आप लोगों ने सबने देखा है, ग्लोब एक अर्थ का छोटा सा मॉडल है जिसको अर्थ के मॉडल के रूप में बनाया गया है. ठीक है, इसमें कुछ लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थ को समझ सकते हैं, कंट्रीज की बाउंड्रीज को समझ सकते हैं, मैप्स को समझ सकते हैं और टाइमिंग जो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री वो भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो होती है वो अर्थ को, जो अर्थ हमारा ग्लोब है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है, तो ये अर्थ को, एक ग्लोब को दो पार्ट में नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. ठीक है, और जब हम बात करें इंडिया की तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो इंडिया कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो अपर पार्ट है, जो उत्तरी गोलार्ध है उस पे कंप्लीटली लाई करता है. ठीक है, अब सेकंड कुछ लाइंस होती हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉ की जाती है कंटिन्यूसली. ठीक है, और कुछ लाइन होती है जो ऐसे लेटी हुई लाई करती है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स एंड जो अपर लोअर जा रही है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको ह्यूमंस ने बनाया गया है, इमेजिन किया गया है और उसकी हेल्प से ही मैप्स बनाए जाते हैं और ग्लोब बनाया जाता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में इंडिया का क्या मेजरमेंट है. ठीक है, इंडिया एक्सटेंड, इंडिया फैला हुआ है बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 8 नॉर्थ लैटिट्यूड. ये लैटिट्यूड का मेजरमेंट है इंडिया कंट्री का. उसके बाद 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये सेकंड वाला लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट है इंडिया कंट्री का. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एक और लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, जो इंडिया के बीच से होती हुई निकलती है. अब उसके बाद बात करते हैं जो कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, वो भी इंडिया कंट्री के ही पार्ट है. ठीक है, इंडिया से जुड़े हुए नहीं है पर इंडिया कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही ये आते हैं. उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कुल क्षेत्रफल है, कुछ एरिया है वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के एरिया की बात करते हैं तो कितना है, वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो वर्ल्ड का 2.4% है, जो टोटल अर्थ का सिर्फ 2.4% है. ठीक है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री विद द लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर. अब जब बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री की, ठीक है, तो जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,215 किलोमीटर किलोमीटर. ठीक है, और जो कोस्टल जो तटीय जो समुद्र से लगी हुई बाउंड्री है वो है 7,560 किलोमीटर. ओके, तो हमने क्या बात करा, हमने बात करी कि जो इंडिया की बाउंड्री है वो कितनी कितनी है, 15,200 किलोमीटर लैंड की और तटीय क्षेत्र है कोस्टल एरिया है 7,560 किलोमीटर. ओके, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 30 डिग्रीज पासेस नियर मिर्जापुर यूपी. अब जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यूपी के मिर्जापुर शहर से लिया गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे इंडिया और उसके पड़ोसी देश नेबर्स कंट्रीज. ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, एक कंट्री. ठीक है, इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. पहले 29 स्टेट थे पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है और वो एक यूनियन टेरिटरी हो गई है. तो करंट में इंडिया के पास 28 स्टेट है, राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं. ओके, आगे हम बात करते हैं इंडिया शेयर बाउंड्रीज. अब बात करें कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इंडिया अपनी बाउंड्री कौन कौन से देश के साथ शेयर करता है. सबसे पहला पाकिस्तान, हम जानते हैं कितना अच्छा पड़ोसी देश है हमारा. ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान, चाइना, चाइना की न्यूज हम आजकल सुन रहे हैं काफी, वो हमारा एक पड़ोसी देश है. उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान. ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना,
नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान हमारे पड़ोसी देश है और हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके साथ हमारे दो कंट्रीज और नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वहां से बाउंड्री शेयर नहीं करते बल्कि एक सी के थ्रू, सी के अक्रॉस हमारे पड़ोसी हैं, जिसमें है मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी आर मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद इंडिया हैव स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल लिंक विद नेबर्स। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है अपने पड़ोसी का, हमने पहले व्यापार भी इन लिंक्स के थ्रू ही स्प्रेड किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि इंडिया का मेजरमेंट, इंडिया की लोकेशन ग्लोब में कहाँ है, उसकी मेजरमेंट कितनी है, कितना वो एरिया कवर करता है और वो कहाँ लाए करता है। ठीक है, थैंक यू।